सारे पर्वतों का चूर्ण बना दिया जाए। सागर में उस चूर्ण को डालकर दावात बनाई जाए, सारे तरवरों की कलम बनाई जाए, सारे वृक्षों को तोड़कर एक कलम बनाई जाए और लिखने के लिए कागज स्वयं माता पृथ्वी हो और लिखने वाली मैया शारदा हो, तब भी शिव महिमा लिखी जा नहीं सकती। और शिव महापुराण केवल और केवल शिव भक्तों के भाग्य में लिखी है, सबके भाग्य में नहीं लिखी। ज्यादातर वो विद्वान हैं, वो जानकार अपने आप को समझते हैं जिन्हें लगता है कि कुछ दो चार पेज कहीं के याद कर लिए। वास्तविकता में कहूं ज्ञान उसे नहीं कहते, विद्वता उसे नहीं कहते, भक्ति उसे नहीं कहते जो आप कुछ थोड़ी सी चीज जानकर अपने को विद्वान समझते हो। कथा वो श्रवण कर सकते हैं जिनके हृदय प्रदेश में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, जिनके हृदय प्रदेश में वो शिव शंकर विराजमान हैं, उनको कथा में आनंद आता है, उनका कथा में मजा है। कथा आपके जीवन की व्यथा को हरण करने का साधन है।